आपके साथ निधि बिश और मैं फिर ले आई हूँ जेजेएन गॉसिप अड्डा का नया एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे श्रद्धा कपूर की शादी के बारे में और केबीसी सीजन 13 की पहली करोड़पति के बारे में। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपने करियर में काफी शानदार फिल्म्स की हैं। साल 2010 में फिल्म तीन पत्ती से श्रद्धा ने अपनी करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद क्या था, एक एक करके उन्होंने बॉलीवुड को सुपरहिट फिल्म दी। एक विलन हैदर, ABCD2, बागी, हाफ गर्लफ्रेंड और स्त्री उनकी ऐसी फिल्म है जिसने लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी। पर क्या आपको पता है, श्रद्धा कपूर और फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के रिलेशनशिप की खबरें बहुत समय से हमारे सामने आ रही हैं, पर अब दोनों की शादी के र्यूमर्स भी आने शुरू हो गए हैं। श्रद्धा कपूर को कई बार रोहन के साथ स्पॉट किया जा चुका है। मालदीव में श्रद्धा कपूर के चचेरे भाई प्रियांश शर्मा की शादी के दौरान भी सेलिब्रिटी कपल को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया। दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। जब एक न्यूज चैनल ने प्रियांक शर्मा से इन दोनों की कपल्स की शादी के खबरों के बारे में पूछा तो वो हंसते हुए बोले, मैं नॉक कमेंट्स कहने जा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ यार, लेकिन हाँ, अगर आप भविष्य से उम्मीद लगाए हुए हैं तो जाहिर है शादियों का इंतजार करना अच्छा होता है। जब यही सवाल पद्मनी कोल्हापुरे से पूछा तो उन्होंने चौंकाने वाला रिएक्शन दिया और बताया, शादी, वाह, ये एक अजीब सवाल है, अगर वैसा होगा तो खबर मिल ही जाएगी। आगे हम बात करते हैं सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन के बारे में। 23 अगस्त को इस शो की शुरुआत हो चुकी है। अमिताभ बच्चन के इस शो में बहुत से लोग अपनी काबिलियत के दम पर करोड़पति बनने का सपना लिए आते हैं। आपको बता दें, इस शो के प्रीमियर के कुछ दिन बाद ही इस सीजन को पहली करोड़पति भी मिल गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, केबीसी सीजन 13 को उसकी पहली करोड़पति मिल गई है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के शो में दृष्टिहीन हिमानी बुंदेला ने 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब देकर इस सीजन की पहली करोड़पति का खिताब अपने नाम कर लिया है। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में शो का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें हमें देखने को मिला है कि हिमानी 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब देती है। करोड़पति बनने की बात सुनकर हिमानी की खुशी देखते ही बनती है। फिर हिमानी 7 करोड़ रुपए के सवाल के लिए आगे खेलती हैं और अमिताभ बच्चन से कहती हैं, सर लॉक कर दीजिए, सर अगर नीचे गिरी तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है। अब ये शो देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिमानी 7 करोड़ के सवाल का भी सही जवाब देकर केबीसी के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराती हैं या नहीं। तो टीवी से जुड़े कुछ ऐसे ही चटपटे किस्सों के लिए आप आते रहिए जेजेएन गॉसिप अड्डा पर। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि कल दोबारा भी तो मिलना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।